देवाराम जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि आपने 2018 विधानसभा चुनाव को लेकर के बिलाड़ा से आपने पूरी तैयारी की थी और फिर आप अंतिम छोर तक आप टिकट के होल्ड में बने रहे, उसके बाद में आपका टिकट काट दिया गया। अभी जो 2023 के चुनाव में लेके कांग्रेस पार्टी और बीजेपी ने अपने मारवाड़ की चार सीटों पे जो मेड़ता है यह बिलड़ा और भोपालगढ़ और ये जो सोजत की है इसमें ऐसी वर्ग की जो रिजर्व सीटें है इसमें बावी समाज को एक तरफ से पूरा इग्नोर किया है कांग्रेस और बीजेपी ने, किसी भी सीट पे किसी को बावी समाज को कोई तवज्जो नहीं दी है, तो अब इन्होंने इग्नोर कर दिया। अभी दिनाराम जी बावली जो बिलड़ा से आरएलपी के तौर में एक उम्मीदवार है, बड़ी दावेदारी है और अभी होड़ में सबसे आगे चल रहे हैं पैनल में, उनका नाम अभी आस लगाई बैठी पूरी बावली बिलड़ा सभा विधानसभा क्षेत्र से, तो अपन ने इसको लेके बावली समाज में आक्रोश भी है दोनों पार्टियों बीजेपी और कांग्रेस के प्रति और आरएलपी की तरफ से अभी बहुत ही बड़ी एक आस है, तो आप इसके बारे में अभी जो बिलड़ा में बाणगंगा पे माताजी के मंदिर में ये बावली समाज का बड़ा है अभी आज जो मीटिंग हुई है उसको लेके क्या डिसीजन, क्या राय और क्या सजेशन समाज ने किया है वो आप विस्तार से बताइए। देखिए बावरी समाज को अभी 2023 के अंदर जो विधानसभा चुनाव के अंदर तमाम जितनी भी जो राजस्थान के अंदर जो आरक्षित सीटें हैं रिजर्व सीटें हैं वहां पर बावरी समाज के जो दावेदारी की है दावेदारों ने अपनी अपनी दावेदारी बताई है, लेकिन कुछ जगह पर एक दो को छोड़कर के सब जगह पर बावरी समाज को इग्नोर किया है, खास करके भोपालगढ़ और बिलाड़ा विधानसभा से। बिलाड़ा विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की जगह पर बावरी समाज के बहुत बड़े प्रबल दावेदार, मजबूत और पूरे समाज में वर्चस्व रखने वाले भामाशाह ऐसे लोगों को मैदान में उतारा गया, फिर भी कांग्रेस और बीजेपी ने इस बावरी समाज को इग्नोर किया। अब रही बात दूसरी तीसरी के बावरी समाज को एक बहुत बड़ी आस लगा करके बैठी है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसको आरएलपी कहते हैं वो उसके दावेदार हैं दिनाराम जी बिलाड़ा विधानसभा से। अगर बिलाड़ा विधानसभा से दिनाराम जी को टिकट मिल जाता है तो पूरी तमाम बावरी समाज है वो सारी चीजें कांग्रेस और बीजेपी की जो गलतियां हैं उनको भूल करके आरएलपी का सपोर्ट करके दिनाराम जी को सपोर्ट करेगी। और अगर आरएलपी ने तीसरी बार अगर बावरी समाज को इग्नोर किया और बावरी समाज को तवज्जो नहीं दी तो बावरी समाज बहुत बड़े आक्रोश मूड में हो जाएगी और बावरी समाज पूरे राजस्थान की तमाम बावरी समाज एक जजम पर बैठ करके महापंचायत का आयोजन करके एक बहुत बड़ा डिसीजन लेने वाली है। जी जी, ये तो समाज में एक बहुत बड़ा आक्रोश फैल गया है, तो आप क्या समझते हो कि जो बिलाड़ा विधानसभा में और भोपालगढ़ विधानसभा क्षेत्र सोजत में बावरी बहुत ज्यादा संख्या में निवास करते हैं, वोटर्स भी जाता है ज्यादा है, और ये जो सर मैं आपको बता दूं जब से देश आजाद हुआ है बावरी समाज इस पूरे राजस्थान में निवास करती है और उनको हमेशा वोट बैंक समझा है, लेकिन अब जो इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये समझा जा रहा है कि बावरी समाज खुद एक पैरों पर खड़ी हो गई है, एक राजनीतिक पक्ष रखना चाहती है और हर विधानसभा क्षेत्र से अपने अपने जो कैंडिडेट उतारे हैं वो कैंडिडेट कोई कमजोर नहीं है। फिर भी कांग्रेस और बीजेपी, मैं सबसे बड़ी बात कांग्रेस को कहना चाहूंगा कि कांग्रेस के अंदर जब से देश आजाद हुआ है बावरी समाज ने कांग्रेस को अपनी जड़ें मजबूत कर दी और वो कांग्रेस को ही मानती आई है, लेकिन बार बार दावेदारी करते हुए अगर कांग्रेस बावरी समाज वो कुछ नहीं समझती है तो आने वाले चुनावों में भी ये बहुत बड़ा असर पड़ सकता है। हाँ, 23 लाख बावरी राजस्थान इसमें बहुत बड़ा असर पड़ सकता है और प्रतिशत के हिसाब से देखें तो इन सीटों पे बावरी समाज का बहुत बड़ा बाहुली है, फिर भी ये कांग्रेस पार्टी बावरी समाज को तवज्जो न दे करके ऐसी की कोई दूसरी कास्टों को बार बार उसको रिपीट कर रही है, तो बावरी समाज एक तरफ भी उसको सबसे बड़ा फैक्टर तो ये काम करता है कि बावरी समाज को लंबी दावेदारी करा करके 4 महीने 6 महीने 1 साल उनके साथ में पूरी समाज पूरी पार्टी जुट करके उनसे दावेदारी करवाती है और फाइनेंशियली अगर सपोर्ट भी नहीं करती है और एन टाइम पर एन मौके पर किसी दूसरे कैंडिडेट को उतारना यह बावरी समाज के लिए सही नहीं है। तो अब आपने क्या सोचा है, आपने समाज ने क्या डिसीजन लिया है, अभी भी दिनाराम जी है जो बिलाड़ा विधानसभा से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बहुत बड़े उम्मीदवार है, शादी आस बनी हुई है तमाम तो मौजूद आपके सामने ये बावरी समाज खड़ी है और ये
बाणगंगा बिलाड़ा पर अभी आज जो 3 तारीख जी 3 तारीख को जो बहुत बड़ी मीटिंग हुई उसमें ये निर्णय हुआ है कि कांग्रेस बीजेपी ने तो इग्नोर कर दिया और उनको मैदानी तौर पर अपन को सबक सिखाना जरूरी है, वो सिखाएंगे। लेकिन एक बहुत बड़ी आस है कि अभी भी अगर आरएलपी अगर दिनाराम जी को टिकट देती है तो उनके साथ में पुरजोर तरीके उसका सपोर्ट करेगी। अगर आरएलपी भी अगर इग्नोर करती है, मैं दूसरी बार कहना चाहूंगा कि अगर आरएलपी और अगर दिनाराम जी को अगर वो तवज्जो नहीं देती है, फिर मां पंचायत बुलाकर के बहुत बड़ा निर्णय लेने वाली। अगर आरएलपी ने भी आपको बावरी समाज को टिकट नहीं दिया तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में, तो क्या मेड़ता बिलाड़ा और भोपालगढ़ क्यूसन की जो सीटें हैं बावरी क्षेत्र है उस राष्ट्रीय लोकतंत्र की पार्टी पर भी प्रभाव पड़ेगा? साहब ये एक पार्टी पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर बावरी समाज को बिल्कुल भी अगर इग्नोर कर दिया तो जितनी भी जो रिजर्व सीटें भी क्यों नहीं हो, अगर दूसरी भी सीटें हैं वहां पर बावरी समाज पूरी जितनी भी जो विधानसभा क्षेत्र में सीटें हैं वहां प्रभावित जरूर करेगी। हमने ऐसा देखा है कि पिछले 1-2 साल से दिनाराम जी बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत बड़े कद के रूप में, नेता के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के बहुत बड़े नेता उभर कर आए हैं। क्या 36 वर्ग उनको एक तरफ भी मैंने सुना है कि जाट प्लस एसी और 36 कौम के लोग दिनाराम जी को मान रहे हैं और उनका पार्ट लगभग टिकट फाइनल? अब अगर जमीनी स्तर और गांव के स्तर की बात करें तो आज भी गांव की पूरी जनता 36 कौम ही हो, मैं बावरी समाज की बात नहीं करूंगा, 36 कौम हो, वो लोग सारे के सारे चाहते हैं कि दिनाराम जी को टिकट मिलना चाहिए। अब ये है कि आरएलपी के जितने भी जो बड़े कदावर जो नेता हैं, जो लीडर हैं, वो क्या डिसीजन लेते हैं, लेकिन उनके खिलाफ जो जितने भी जो गांव के अंदर जो निवास जनता करती है 36 कौम उनका पूरा रुख है। अभी भी हमने पूरा देखा है तमाम 2-3-4 दिनों से कि दिनाराम जी को टिकट थोड़ा बहुत मुश्किल में पड़ गया है, तो वो सारे जितने भी जो जाट बंधु है और जितनी भी तमाम जो जाते हैं वो लेकर के वो विरोध में है कि भाई आरएलपी के अंदर दिनाराम जी को ही टिकट दिया जाए तब जीत आ सकती है, वरना कोई जीत यहाँ पर मुश्किल है। पूरा बावरी समाज दिनाराम जी के कहने के मतलब है दिनाराम जी के साथ में खड़ा है एकजुट होकर? पूरा बावरी नहीं, 36 कौम बिलाड़ा विधानसभा क्षेत्र में 36 कौम दिनाराम जी के साथ में खड़ी है। अगर दिनाराम जी को टिकट देती है तो यहाँ से आरएलपी की सीट निकलेगी, नहीं तो पुरजोर जवाब दिया जाएगा। दिनाराम भावरी जिंदाबाद, दिनाराम भावरी जिंदाबाद, दिनाराम भावरी जिंदाबाद।